हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोटेक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पल्सर 220F। रिसेंटली ये बाइक लॉन्च हुआ और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज इसका इंजन। इंजन काफी ट्रस्टेड है एंड यहाँ पर जो पल्सर 180 में इंजन दिया जाता था पहले, वही इंजन आपको इस बाइक में भी देखने मिलेगा। यहाँ पर इंजन में कोई बड़ा चेंज नहीं किया गया है तो यहाँ पर वही पावर वही परफॉर्मेंस देखने मिलेगी जो आपको प्रीवियस इंजन में मिलती थी। बट स्टिल 180F का जो इंजन है वो काफी ट्रस्टेड है क्योंकि पल्सर में हम यूजुअली देखते आ रहे हैं इस इंजन को और इस इंजन में कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती है। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पे इसका माइलेज। यहाँ पे आपको माइलेज 40-45 के अराउंड मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है पल्सर की चीज़ में माइलेज अच्छा होता है, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करते हो इसका तो, क्योंकि कुछ लोग मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं करते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसका माइलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, बट अगर आप इसे प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो आपको अच्छा माइलेज इस बाइक से मिलेगा। थर्ड एडवांटेज है यहाँ पर इसका प्राइस। इसका प्राइस बहुत कॉम्पिटेटिव रखा गया है और इसके सेगमेंट में से बहुत अच्छा बना देता है क्योंकि इसके सेगमेंट में जो अदर बाइक्स हैं उनके प्राइस थोड़े या तो ज़्यादा हैं और या तो उनके लुक्स इसके जैसे नहीं है। यहाँ पर आपको हाफ फेयरिंग वाली बाइक मिलती है, हाफ फेयरिंग वाली बाइक इस सेगमेंट में बहुत कम है, तो जिनको पल्सर 220F पसंद है उनको डेफिनेटली ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है। फोर्थ एडवांटेज है इसके लुक्स। यहाँ पर इसके लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड यहाँ पर आपको सेम लुक्स देखने मिलते हैं जो आपको 220 में देखने मिलते हैं। तो अगर आप पल्सर 220F को पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पर पल्सर 220F के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर लुक्स बहुत पसंद किए जाते हैं 220 के, तो अगर आपको लुक्स इसके पसंद है और आपका बजट थोड़ा कम है तो आप पल्सर 180F के लिए जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको सेम लुक्स देखने मिल जाते हैं। फिफ्थ एडवांटेज यहाँ पर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने मिलता है और जो इसे कॉम्पिटिटर से इसे काफी अच्छा दिखाता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मैं किसी बाइक के डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या किसी के लिए बायस रिव्यू कर रहा हूँ। मेरा सोचना यह है कि अगर आप किसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों पता होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट डिसएडवांटेज है, इसमें आपको नहीं मिलता है मोनोशॉक अब्सॉर्बर, जो कि यार आपको इस सेगमेंट के अदर बाइक्स में देखने मिल रहा है। इवन अगर आप अपाचे आरटीएफ 164V से कंपेयर करते हो तो वहां भी आपको देखने मिल जाता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। इवन आप बजाज की पल्सर 160NS की बात करो तो वहां भी आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने मिल जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि बजाज को यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करनी थी, इसलिए कहीं ना कहीं इधर पर मोनोशॉक अब्जॉर्बर देखने नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसके लुक्स 220 से मिलते हैं और 220 में भी आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर देखने नहीं मिलते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है यहाँ पर ABS का ऑप्शन ना होना। बजाज के साइड से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पर ABS देखने मिलेगा या नहीं। यहाँ पर अभी ABS का ऑप्शन नहीं है, बट आई होप आपको अप्रैल 2019 में यहाँ पर ABS का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। बट आई थिंक ये सिंगल चैनल ABS होगा क्योंकि आपको पता है जैसा कि बजाज की बाइक्स में अभी यूजुअली सिंगल चैनल ABS ही देखने मिल रहा है, तो यहाँ भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने मिल सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज है इसका साइलेंसर। यहाँ पर इसका साइलेंसर 220 से नहीं मिलता है। जैसा कि आपको पता है इसके लुक्स पूरी तरह से 220 से लिए गए हैं, बट इसका साइलेंसर 220 जैसा नहीं है। बट ये बात भी है कि बजाज को 220 से 180 को थोड़ा अलग दिखाना था, इसलिए वहां पर आपको जो साइलेंसर देखने मिलता है वो 180F में देखने नहीं मिलेगा। फोर्थ डिसएडवांटेज है इसमें ऑयल कूल्ड इंजन का ना होना। इसके प्राइस सेगमेंट की अदर बाइक्स में आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने मिल रहा है, बट आपको क्लियरली बता दूं कि यार यहाँ पर इसकी प्राइसिंग काफी कॉम्पिटेटिव रखी गई है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ फीचर्स में कमी करना पड़ती तभी इसका प्राइस इतना अग्रेसिव हो पाता, क्योंकि इसके सेगमेंट में काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस में आता है। तो इसके फीचर्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है जो आपको मैंने इसके डिसएडवांटेजेस में बता दिया है। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पल्सर 180F। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना एंड अगर आपका कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सो गाइज इफ यू लाइक अवर वीडियो सो हिट लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बाय विच यू विल गेट अपडेट्स ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोज़।